नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल आपके सपने में। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें लेकर के आती हूँ मैं, उनकी आपको व्याख्या बताती हूँ। आज का जो है वो है, धनतेरस पर क्या खरीदने से आएगी खुशहाली, कब है पूजा मुहूर्त। माँ लक्ष्मी के पूजन के पर्व दीपावली से 2 दिन पहले पड़ने वाला धनतेरस का त्यौहार देव वैद्य धन्वंतरी और लक्ष्मी जी के खजांची माने जाने वाले कुबेर को याद करने का दिन है। दिवाली से पहले कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाए जाने वाले धनतेरस को धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है और इस दिन सोने चांदी की कोई चीज़ या नए बर्तन खरीदने को अत्यंत शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी के साथ धन्वंतरी और कुबेर की भी पूजा की जानी चाहिए, क्योंकि कुबेर जहाँ धन का जोड़ घटाव रखने वाले हैं, वहीं धन्वंतरी ब्रह्मांड के सबसे बड़े वैद्य हैं। यहाँ पर ये मूरत हैं, आप इनको देख सकते हैं। आगे पढ़ते हैं, धनतेरस के दिन पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय प्रदोष काल के दौरान है, जब स्थिर लग्न प्रचलित होती है। माना जाता है कि अगर स्थिर लग्न के दौरान धनतेरस पूजा की जाए तो लक्ष्मी जी घर में ठहर जाती हैं। वृषभ लग्न को स्थिर माना गया है और दिवाली के त्यौहार के दौरान यह अधिकतर प्रदोष काल के साथ ही चल रही होती है। धन्वंतरी जी का परिचय। धनतेरस पर कुबेर के बिना लक्ष्मी जी की पूजा अधूरी रहती है। धन्वंतरी हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक देवताओं के वैद्य हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर की दोनों भुजाएं शंख और चक्र धारण किए हुए हैं, जबकि 2 अन्य भुजाओं में से एक में जल का और औषधि तथा दूसरे में अमृत कलश है। इनकी प्रिय धातु पीतल है। आयुर्वेद की चिकित्सा करने वाले वैद्य इन्हें आरोग्य का देवता कहते हैं। धनतेरस के दिन क्या करें। धनतेरस के दिन सिर्फ नई वस्तुओं की खरीदारी ही नहीं की जाती है, बल्कि दीप भी जलाए जाते हैं। इसके पीछे कई तरह की कविता किंवदंतियाँ हैं। इस दिन प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपकों के बारे में मान्यता है कि इनकी वजह से घर में अकाल मौत का भय खत्म हो जाता है और परिवार की लौ हमेशा जलती रहती है। धनतेरस पर नए बर्तन खरीदने की परंपरा के बारे में कहा जाता है कि धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तो उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। इसी के बाद से ही उनके जन्मदिन पर नए बर्तन खरीदने का चलन शुरू हुआ। यह भी माना जाता है कि इस दिन वस्तु खरीदने से उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा करने के लिए लोग उनकी मूर्तियां भी धनतेरस के दिन खरीदते हैं। धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों की खरीदारी करें। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति खरीदें और दीपावली के दिन इसी का पूजन करें। अक्सर लोग दीपावली के दिन के समय नई गाड़ी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन भी गाड़ियां बड़ी संख्या में खरीदी जाती हैं। यदि आप भी धनतेरस के दिन नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भुगतान पहले ही कर दें। धनतेरस के दिन वाहन के लिए भुगतान करने से बचें। वाहन को राहु काल में घर में नहीं लाना चाहिए। स्वर्ण व चांदी की वस्तुएं खरीदना शुभ है। इस दिन यदि कपड़े खरीद रहे हैं तो सफ़ेद या लाल रंग के कपड़ों को प्राथमिकता दें। संपत्ति खरीदना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। दक्षिणवर्ती शंख, कमल गट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। संपत्ति खरीदना इस दिन बेहद शुभ माना जाता है। दक्षिणवर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला इस दिन खरीदना शुभ माना जाता है। इस दिन प्राण प्रतिष्ठित रसराज पारद श्री यंत्रम घर में लाना भी लाभकारी होता है। चूँकि यह भगवान धन्वंतरी का दिन है, इसलिए इस दिन औषधि भी खरीदी जा सकती हैं। स्टील और पीतल के बर्तन लिए जा सकते हैं। धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना भी अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर में बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लाने से घर में धन और सुख शांति आती है। तो ये थी धनतेरस के बारे में कुछ जानकारी जो मैंने आपको दी है। यदि आपको मेरी वीडियो जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।